बालाघाट नगर मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत ददिया के वार्ड क्रमांक 7-8 में स्थित ट्रांसफार्मर कई दिनों से खराब है, जिसकी जानकारी ग्रामीणों के द्वारा बिजली विभाग को कई बार दी गई, पर अधिकारियों द्वारा बंद पड़े ट्रांसफार्मर को सुधारा नहीं गया। वहीं ग्रामीणों ने नया ट्रांसफार्मर लगाने की मांग की है। बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा कल ग्रामीणों की समस्या हल करने को कहा है। ग्रामीण भारत टीवी के लिए बालाघाट से निकेश चंदेले की रिपोर्ट। लाइनमैन को आज ही साहब को मैंने शिकायत किया, 3-4 बार मैंने फ़ोन से उनसे बात भी किया हूँ कि हमारे ग्राम ददिया में वार्ड नंबर 7-8 में 15 दिन से ट्रांसफार्मर जल चुका है और ग्रामवासियों को बहुत परेशानी हो रही है। मैं इसकी व्यवस्था तुरंत की जाए और नया ट्रांसफार्मर लगाया जाए। और ये शासन प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है और हमारे ग्राम ददिया में ही वार्ड नंबर 19-20 में वहाँ का भी ट्रांसफार्मर जला हुआ है। वहाँ के बारे में मैंने साहब लोगों से अवगत करवाया, लाइनमैन को भी अवगत करवाया और जो यहाँ पे वर्तमान में पदस्थ जो लाइनमैन रावत जी हैं शायद उनका स्वास्थ्य खराब है और मैंने उनके बारे में भी मैंने बोला कि यहाँ लाइनमैन नहीं है तो दूसरे लाइनमैन की व्यवस्था करो। तो शायद पंचकूदे हमारे ग्राम बमनी निवासी पंचकूदे को उन लोगों ने यहाँ नियुक्ति किया है, उन लोगों को मैंने 3-4 बार फ़ोन करके भी के बारे में मैंने अवगत करवाया लेकिन वो भी विशेष ध्यान नहीं दे रहे हैं और यहाँ लाइन की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं जिससे ग्रामवासियों को बहुत परेशानी हो रही है। और ऐसे भी क्या है, गर्मी का माहौल है, इससे ज़्यादा कृषि कार्य एवं जो ग्रामीण जनों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और मैं शासन से चाहूँगा कि दोनों जगह ट्रांसफार्मर जल्द से जल्द लगवाए, बस मेरा यही निवेदन है। क्या है वार्ड नंबर 7 और 8 में एवं हमारे मंडई टोला में 19-20 में दो ट्रांसफर जल गए हैं। परेशानी इतनी है कि गौरिया साहब को फ़ोन लगाए थे परसों हमारे सरपंच साहब के माध्यम से कि ट्रांसफार्मर की व्यवस्था किसी हालत करवाओ करके। पब्लिक इतनी परेशान है कि बोर क्या है कुओं में या पाइपलाइन में भी छिलने से भी पानी बहुत कम जैसे सवेरे के टाइम में आता है, कहीं कहीं किसी के घर में कनेक्शन नहीं है। परेशानी है कि बोर में मोटर जो है वो ना बोर में चलती है, कुआं पानी खींचने के लिए पानी नहीं है। यानी किसान भाइयों को भी काफ़ी समस्या है। किसानों को तो खैर धान पक गई, किसानों को समस्या नहीं, प्रॉपर है ना समझ जीविका चलने वाले प्रत्येक घर वालों को अपने अपने कुओं से बोर से पानी लेने के लिए लाइट नहीं है, यानी समझ गर्मी में परेशान हो रहे हैं लोग। क्या आप ये बिजली विभाग को क्या यहाँ लिखित जो शिकायत की हो आपने आवेदन? नहीं, आवेदन फ़ोन किए थे गौरिया साहब को, एक लाइनमैन साहब से भी बात हुई थी सरपंच जी की हमारे, लेकिन आ रहे हैं क्या बोले थे लेकिन उसके बावजूद भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ध्यान नहीं दिया गया ना, ऐसा समझ लीजिए हालत है। यानी प्रशासन के द्वारा कुछ भी करके आप लोगों को टालमटोल किया जा रहा है? टालमटोल ही किया जा रहा है, ध्यान नहीं दिया रहा है, कोई लाइनमैन वगैरह आ नहीं रहे हैं। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।